हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो किसके थ्रू देख रहे हैं, कौन से मीडियम के थ्रू देख रहे हैं, दैट इज फोन, राइट, और लैपटॉप और टैब। अब ये मीडियम्स तो है और साथ में क्या है, इंटरनेट भी है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। आज का जो यूथ है उसको 1 मिनट भी नहीं चलेगा विदाउट इंटरनेट। और मैम ऊपर से लॉकडाउन, कोविड और है, क्या करें, घर के बाहर तो निकल नहीं सकते। तो उस केस में नेट तो चाहिए। नेटफ्लिक्स स्टार्ट करना है, हॉटस्टार स्टार्ट करना है, इतनी सारी मूवीज देखनी है, एंटरटेनमेंट करना है, कैसे कर। और फिर सभी इम्पोर्टेंट, गर्लफ्रेंड से चिटचैट भी तो करनी है, उसके बिना तो पॉसिबल नहीं है, है ना। तो वही चीज, हमें तो इंटरनेट चाहिए और साथ में कम्युनिकेशन भी तो चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए हमें नेट की जरूरत है। तो वही चीज है कि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट के बिना आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट्स भी है बट साथ में मिसयूज भी है, राइट। वो हमारे हाथ में है, हमारी कंट्रोल में, हम किस तरीके से उसे यूज कर रहे हैं। तो वही आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स, दैट इज इंटरनेट एंड आउटसोर्सिंग। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर, दैट इज कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट दी कम्युनिकेशन एंड ई कॉमर्स, एंड नेक्स्ट वीडियो विल कवर अवर दी आउटसोर्सिंग पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? अब कम्युनिकेशन के बारे में हमें पता है कि अगर हम जब बात करते हैं एक दूसरे से, राइट, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, आप कोई अपने फैमिली मेंबर से बात करते हो, तो दैट इज व्हाट, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम देखते हैं कभी भी अकेले नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पे बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, तो क्या ये कम्युनिकेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई सामने वाले रिसीवर ही नहीं है जो मेरी बात सुने, तो क्या मैं उसे कम्युनिकेशन बोलूंगी? नहीं ना, ये तो हो गया मैडनेस, हो गया कि ये तो अकेले बात करे जा रही है ना, ये चीज नहीं होगी। तो वही चीज है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, हमेशा टू वे प्रोसेस होता है। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, राइट, आप अपने इमोशंस शेयर करते हो, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो, है ना। मैंने कहा यार वो लड़का मुझे बहुत पसंद आ गया, मुझे तो उससे बात करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, तो वो क्या बोलता है, आपका फ्रेंड क्या बोलेगा, चल यार बात करवा देता हूँ, है ना, ऐसा होता है। तो ये अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज लाइफ में ये सब चीजें होती है। तो ये क्या, वो आपने अपने इमोशंस शेयर किए, आपने अपनी फीलिंग्स बताई। तो जब ये कम्युनिकेट आपने किया, आपके फ्रेंड ने रिप्लाई किया कि चल यार करवा देता हूँ, उसमें क्या, और कर लेते हैं अपन बात, तो वो चीज क्या, वो रिस्पॉन्ड किया उसने, तो दैट इज कम्युनिकेशन। जब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन से, ठीक है, और जब वो रिप्लाई करता है, दैट इज रिस्पॉन्ड करता है, तो उस केस में उसे कम्युनिकेशन बोला जाए। ये आपका एक पूरा कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन जब अगर मैंने कुछ बोला लेकिन सामने वाली पार्टी ने बात ही नहीं सुनी, या उसने समझी लेकिन अच्छे से उसने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उस केस में आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है, वो आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। तो दैट इज व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन। सो लेट्स रीड द डेफिनेशन। इट मींस एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइन। कम्युनिकेशन के अंदर जब भी आप अपने किसी को फीलिंग्स बता रहे हो, कुछ स्पीच दे रहे हो, किसी को कुछ ओपिनियन दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा कम्युनिकेशन। अब हो सके वो रिटन में हो, वो ओरल में हो, या वो कोई भी हम एक्सप्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल कब बोलते हैं, जब मैं बोलूं कि अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैं कर रही हूँ थ्रू वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स रिटन ओरल, अगर मैं कुछ लिख के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, या कुछ मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, ये सब रिटन फॉर्म में और मैं आपको ओरल फॉर्म में बता रही हूँ, तो ये क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन वही चीज अगर मैं विदाउट वर्ड्स एक्सप्लेन करूं, तो उस केस में उसे क्या बोला जाएगा, नॉन वर्बल। वेन यू नॉट यूजिंग द वर्ड्स, तो दैट इज नॉट वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपने पोस्चर जेस्चर से किसी को कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो, उसे बोला जाता है नॉन वर्बल। जैसे आप लोग गेम्स खेलते हो, दमशराज बहुत कॉमन गेम है, राइट, उसमें आप बोलते हो आपको मूवी क्या करनी है, पहचाननी है, तो उस केस के अंदर आप मूवी का एक्शन करते हो, यू कांट स्पीक,
राइट, उस गेम में हम बोल नहीं सकते, तो वो क्या है, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू उसे कम्युनिकेट करते हो और सामने वाली टीम क्या करती है, उसे पहचानती है, उन्हें गैस करना रहता है कि कौन सी मूवी है, तो दैट इज कम्युनिकेशन। आप बिना बोले बिना लिखे भी समझा सकते हो सामने वाले पार्टी को। स्कूल में होते हैं आप लोग के साथ इशारों में बातें होती है या नहीं होती है, तो वही चीज है, वो क्या है, कम्युनिकेशन है। जब आप अपने कोई भी मोटिव, कोई भी एक्शन, कोई भी फीलिंग सामने वाले पार्टी को समझा देते हो, उसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। क्लियर है ये चीज? सामने वाली पार्टी को लेकिन समझ में आनी चाहिए चीज, और विद रिस्पॉन्ड अगर वो करता है तो उसे फुल कम्युनिकेशन प्रोसेस बोला जाएगा। क्लियर? व्हेन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज थ्रू वर्ड्स दैट इज रिटन ऑन ओरल एंड नॉन वर्बल में, व्हेन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज विदाउट वर्ड थ्रू सिग्नल, फिजिकल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एंड आई एक्सप्रेशंस, राइट? तो ये सब चीजें क्या है, इसे बोला जाएगा कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रोसेस क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वही चीज हम देखेंगे प्रोसेस कैसे हुआ। फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। अब मैसेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसे मैंने अगर कहा टुमारो यू हैव टू अटेंड द बैच एट 5, राइट, कि आपको बैच कल कितने बजे अटेंड करना है, 5 o'clock, तो ये मैसेज मैंने फॉर्म किया सबसे पहले, राइट? तो ये फॉर्मेशन ऑफ मैसेज हुआ। अब सिलेक्शन ऑफ मीडियम, अब मैसेज तो मैंने बना लिया, लेकिन अब मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है ये चीज, तो मैं कैसे पहुंचाऊंगी, मैं या तो व्हाट्सएप करूंगी सबको, राइट, या फिर मैं मेल के थ्रू, आजकल मेल के थ्रू सब ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे बल्क में ये मैसेज करना रहेगा, सो वी कैन यूज दैट कि मैं मेल कर दूंगी सबको, तो ये मीडियम हो गया कि मैंने मेल के थ्रू मैं आपको मैसेज कर रही हूँ। टू सेंड मैसेज, फिर मैं ये मैसेज भेज दूंगी। टू एक्सेप्ट दी मैसेज, आप लोग उस मैसेज को एक्सेप्ट करोगे, इट मीन्स आप रीड करोगे, राइट, आप लोग रीड करोगे उसको, उसका इंटरप्रिटेशन कि मैंने जो आपको बोला है वही आपने समझा है, आई ये चीज समझ में। अब अगर मैंने 5 o'clock लिख दिया, तो ये तो आप लोग का कॉमन सेंस है कि 5 o'clock मॉर्निंग, 5 o'clock तो बैच होगा नहीं, है ना, तो ये इवनिंग में ही होगा। अगर मैंने 5 AM PM कुछ भी नहीं लिखा, सो दिस इज योर कॉमन सेंस कि हाँ 5 बजे, मतलब शाम को 5 बजे हमारी क्लास है। क्लियर? तो ये क्या है, दैट इज इंटरप्रिटेशन, कि इसमें कुछ मिस्टेक नहीं हो सकती। लेकिन कुछ कुछ कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग हो जाता है, तो कभी भी कम्युनिकेशन इजी वर्ड्स में होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए रिसीवर के लिए। आपको पता है आप किसको ये मैसेज कर रहे हो, उसकी कैपेसिटी क्या है समझने की, उस केस में आपको उस तरीके से मैसेज उसे करना है। एंड लास्ट इज रिप्लाई टू दी मैसेज। मैंने मैसेज किया, आपने पढ़ लिया, आपको इंटरप्रिटेशन हो गया, अब आप उसमें लिख दोगे ओके मैम, तो वो क्या हो गया, रिस्पॉन्ड हो गया कि हाँ स्टूडेंट ने पढ़ लिया, उसे समझ में आ गया, एंड ही विल अटेंड द क्लास टुमारो। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस हो गई। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ मैसेज करते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार हमें कौन से मीडियम से मुझे मैसेज को सेंड करना है, उसके बाद मैं सेंड कर दूंगी मैसेज, देन यू विल एक्सेप्ट द मैसेज एंड देन इंटरप्रिटेशन होगा, और उसके बाद आप रिप्लाई मींस रिस्पॉन्ड करोगे। सो दिस इज द फुल प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर रिस्पॉन्डिंग नहीं होता है तो उस केस के अंदर हो जाता है कि ये तो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट, आप लोग यूज कर रहे हो अभी, राइट? मेरा वीडियो किसके थ्रू देख रहे हो, इंटरनेट के थ्रू देख, क्योंकि उसके बिना तो पॉसिबल होगा नहीं। तो वही चीज है, द वर्ड इंटर रेफर्स टू इंटरनल एंड द वर्ड नेट रेफर्स टू नेटवर्क। किससे बना ये, इंटरनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, ये पूरा एक नेटवर्क के थ्रू हमारा नेट चलता है, इंटरनल नेटवर्क, ये पूरी फंक्शनिंग जो होती है वो नेटवर्क के थ्रू होती है, राइट? देन नेटवर्क क्या होता है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जब हम बोलते हैं बहुत सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द पर्पस टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड नेटवर्क, राइट? अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा बहुत सारे साइबर कैफेज देखते हो आप, या आपने अपने स्कूल में लैब देखा होगा कंप्यूटर लैब के अंदर, तो वहां बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। अब वो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज नेटवर्क। क्यों? क्योंकि आपको सारी फाइल्स हर एक कंप्यूटर में मिलेगी, तो किसके थ्रू होता है, दैट इज नेटवर्क। उसमें आप देखोगे कि एक कोई सर्वर पीसी होगा जिसमें नेट होगा, अब वो नेट के थ्रू सारे अदर जो भी बाकी के जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स है वो वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट की शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन तो हुई, सब इंफॉर्मेशन तो आपकी क्या हो रही है, सारी शेयर हो रही है, रिसोर्सेज भी हो रहे हैं,
रिसोर्सेज कैसे हुआ कि एक पीसी उसके अंदर सर्वर पीसी है। अब उसमें ही आपको सिर्फ नेट अगर आपने उसमें डाल दिया तो क्या होगा, सारे पीसी उस नेट के थ्रू वर्क कर, तो आपको अलग से सारे सिस्टम्स में नेट प्रोवाइड नहीं करना है, तो ये क्या हो गया, शेयर ऑफ रिसोर्सेज हो गया। तो इसी को बोला जाता है नेटवर्किंग, कि जिसके थ्रू हम बोलते हैं बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से लिंक होके कनेक्ट होके वर्क कर सकते हैं, दैट इज नेटवर्क ऑफ सिस्टम्स। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज हैं। दैट इज लैन, सबसे पहले हमारा आता है लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क, जो मैंने आपको अभी समझाया कि आपके कंप्यूटर लैब्स में होता था, या हम देखते हैं बैंक में होता है, ठीक है। आप कहीं भी कोई भी प्लेस ले लो, जहाँ हम देखते हैं एक रूम है एंड उस रूम के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स है, जैसे हमारा कंप्यूटर लैब हो गया, राइट, जैसे हमारा साइबर कैफे हो गया, जैसे बैंक हो गया। तो इस केस में क्या होता है, एक सर्वर पीसी होता है और वो सर्वर पीसी से बाकी के सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो उस केस के अंदर आपको अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग नेट प्रोवाइड नहीं करना है, एक सर्वर पीसी दूसरे सारे सिस्टम से कनेक्टेड है और उस केस के अंदर सारी फाइल्स आपको सारे सिस्टम्स में अवेलेबल होगी। ऐसे नहीं है कि फर्स्ट पीसी में जो भी फाइल्स है वो सेकंड में नहीं होगी, सेकंड में होगी जो थर्ड में नहीं होगी, नहीं। ऐसे आपको ये फैसिलिटी इसके थ्रू लैन के थ्रू दी गई है कि आप कोई भी सिस्टम में वर्क कर सकते हो, सारी फाइल्स आपको अवेलेबल रहेगी सारे सिस्टम्स में। तो कितना इजीली हो गया सब कुछ, आ रही है चीज समझ? लेकिन ये कब होगा, जब आप बोलोगे एक ही रूम में आपके सारे सिस्टम्स हैं, तो ये नेटवर्क सिर्फ एक रूम तक ही जाता है, दैट इज कॉल्ड लैन। ये ज्यादा दूर तक ये फैसिलिटी नहीं देता। लेकिन जब हम कैंपस एरिया नेटवर्क की बात करते हैं, दैट इज कैन, उस केस के अंदर कैंपस मतलब पूरी बिल्डिंग। अब समझ लो कोई बैंक है, उसके थ्री तीन चार फ्लोर्स है, तो उस चारों फ्लोर्स के अंदर मैं क्या कर सकती हूँ, कैन लगा सकती हूँ। तो उस केस के अंदर क्या होगी, नेटवर्किंग पूरे चारों फ्लोर के अंदर रहेगी, मतलब सारी नेटवर्किंग के थ्रू। मैं ऐसे नहीं है जो फर्स्ट फ्लोर पे जो सिस्टम्स है वो सारी फाइल सेकेंड फ्लोर के जो सिस्टम्स रहेगी कनेक्टेड रहेगी। अब मुझे ऐसी फाइल चाहिए जो फर्स्ट फ्लोर पे है, एक सिस्टम के अंदर है, तो वो क्या होगा, वो कनेक्टेड हो जाएगी सेकेंड फ्लोर के सिस्टम्स में। तो ये नहीं कि मुझे वो फाइल के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, नहीं, ये सिर्फ नेटवर्किंग है। इसी को नेटवर्किंग बोलते हैं कि अगर मेरा पूरा कैंपस, पूरा बिल्डिंग भी अगर मेरा है, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूंगी, उस केस के अंदर मैं नेटवर्किंग के थ्रू सारा वर्क कर सकती हूँ, ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है? देन नेक्स्ट इज दैट इज मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब रूम पढ़ लिया हमने, बिल्डिंग पढ़ ली, अब क्या आ गया, सिटी आ गया। अब पूरी सिटी की बात करूं तो बैंक की बात कर लो, SBI के कितने ब्रांचेस है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, किससे, नेटवर्किंग के थ्रू, है या नहीं। अगर मैंने कहा कि मेरा यहाँ वेसू में मेरा अकाउंट खुला हुआ है SBI के अंदर, और अगर मुझे पार्टिया पे जाके करना है, क्या करना है, अगर मैं पार्टिया पे हूँ, मुझे कुछ रुपीज विड्रॉ करने, तो उस केस में मैं कर सकती हूँ या नहीं, कर सकती हूँ। तो ये क्या है, नेटवर्किंग के थ्रू है ना, मुझे जाके बस वहां पे क्या करना पड़ेगा, चेक निकालना है, तो वहां पे सारी ऑलरेडी डिटेल्स उस ब्रांच पे भी मेरी रहेगी। तो वो नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल है कि आपकी जो भी डिटेल्स रहती है SBI की, वो सारे ब्रांचेस के अंदर ऑलरेडी आपकी फीड रहती है, तभी तो आप कोई भी ब्रांच से कोई भी ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट मैन, ये नेटवर्किंग। देन वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज व्हेन, अब इस केस के अंदर वाइड से आपको समझ में आ रहा है, ये क्या रह रहा है, ओवरऑल हम एक कंट्री की बात कर सकते हैं इसके अंदर, कि इसका बहुत ज्यादा वास्ट नेटवर्क रहेगा। जैसे हम बोलते हैं, अगर मैंने बैंक अभी सिर्फ सिटी की बात की, अगर वही मैं पूरी इंडिया की बात करूं, तो SBI का अगर ब्रांच है कहीं भी, तो मैं वहां से क्या कर सकती हूँ, वहां से विड्रॉल कर सकती हूँ, मैं अमाउंट कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि नेटवर्क है, नेटवर्किंग के थ्रू मैं कर सकती हूँ, राइट। तो वही है, ये जो वैन है हमारा टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड इज, एंटरप्राइज एंड ग्लोबल वैन। एंटरप्राइज मतलब यही हो गया कि जैसे बैंक एक एंटरप्राइज है, तो हमने ये बात कर ली कि पूरे इंडिया के अंदर मैं कहीं से भी क्या कर सकती हूँ, विड्रॉल कर सकती हूँ, क्यों, ये एक नेटवर्किंग है। फिर मैं कहीं भी चल जाऊं, मैं मुंबई चल जाऊं, अहमदाबाद चली जाऊं, गोवा चली जाऊं, या कहीं भी चली जाऊं, मैं विड्रॉल कर सकती हूँ, मैं ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ, किसके थ्रू हो रहा है, नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल हो रहा है, क्लियर। लेकिन वही अगर मैं ग्लोबल वैन की बात करूं, तो ग्लोबल मीन्स क्या हो गया, ग्लोबल मीन्स हम बोलते और वास्ट हो गया। जैसे हम बोलते फेसबुक, फेसबुक क्या एक नेटवर्किंग है, वहां पे हम किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, मैं ऐसे लोगों को जहां मैं जानती तक नहीं हूं, मैं उससे कनेक्ट हो जाती हूँ, तो ये नेटवर्किंग ही हुआ ना। कि आप कैसे पॉसिबल है कि आप दूसरों के अकाउंट के साथ डील कर रहे हो, बातें कर रहे हो, कैसे हो सकता है, तो ये एक नेटवर्क है।
जो हम बोलते हैं सोशल साइट है, सोशल मीडिया है, जो आज के टाइम पे सब लोग इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या है, ये नेटवर्क। क्लियर? तो ये हमने कुछ कैटेगरीज देखी जो नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल है, दैट इज लैन, कैन, वैन एंड मैन, राइट? ओके, सो नेक्स्ट इज मेनली थ्री फंक्शंस कैन बी परफॉर्म थ्रू इंटरनेट। अब तीन कौन से फंक्शंस है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज कनेक्ट विद अदर पर्सन, राइट? कांटेक्ट हम कर सकते हैं, कोई भी पर्सन से मैं कांटेक्ट कर सकती हूँ, मैं मेल कर दूंगी किसी को भी, किसी से भी मैं बात कर सकती हूँ, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। देन रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हम बिजनेस के अंदर देखते हैं मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, या तो वहां का पर्सन आके हमसे जो भी लेटर वगैरह जो भी था हमसे आके बात करता था, लेकिन अब क्या है, मैं मेल कर सकती हूँ, राइट? वो डिपेंड करता है हम कोई भी मीडियम यूज करें, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि मुझे वहां जाके इंफॉर्मेशन रिसीव करनी है, नो। तो वही चीज है रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, द कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर सिस्टम, जो हमने अभी नेटवर्किंग देखा कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से कैसे कनेक्ट हो जाता है, राइट? तो वही चीज है, ये बहुत मेन फंक्शन है जो हम बोलते हैं इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है कि हम कोई भी पर्सन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नेट के थ्रू, राइट? व्हाट्सएप है आपका, इंस्टा है आपका, जो भी स्नैपडील, तो आप जो भी बोल सकते हो स्नैपचैट से, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हो, एंड कनेक्शन भी कोई भी कंप्यूटर सिस्टम के साथ आप क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज मेनली थ्री फंक्शंस कैन बी परफॉर्म थ्रू इंटरनेट। कौन से तीन फंक्शन है, राइट? कॉन्टेक्ट विथ अदर पर्सन, हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसके मीडियम के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हुआ है, राइट? मैं किसी से भी मैसेज चैट कर सकती हूँ, किसी से भी मैं बात कर सकती हूँ, तो इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम ईमेल के थ्रू ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हैं, कोई भी मीडियम के थ्रू मैं ले सकती हूँ, लेकिन पहले जब ये इंटरनेट नहीं था तो क्या करना पड़ता, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें खुद को वहां जाना पड़ता था, या वहां से कोई पर्सन आके हमें वो इन्फो देता था। लेकिन अब क्या हो गया, अब हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से ही पॉसिबल हो जाता है। एंड कनेक्शन विद अदर कंप्यूटर सिस्टम, हम बोलते हैं उसे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्शन, जो कि अभी हमने सबने देखा कि कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, ये सब इंटरनेट के वजह से पॉसिबल हो रहा है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू सर्च इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट। अब ये चीज आपको सबको पता है, बट फिर भी मैंने एक ही आपको पिक्चर्स के थ्रू और अच्छे से बताया कि आपको कोई भी चीज आप बोलोगे मैम ये तो हमें ज्यादा पता है आपसे, है ना, आप लोग ज्यादा सर्च करते हो, राइट? तो वही चीज है, हाउ टू सर्च इंफॉर्मेशन कैसे करते हो, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना पड़ता है ब्राउजर, सबसे पहले ही करते हो, कौन सा है आपके पास, सफारी यूज कर रहे हो आप या फिर गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, राइट? कौन सी आप मीडियम यहाँ पे यूज कर रहे हो, सबसे पहले आप यही चीज देखोगे यहाँ पे, तो उस केस के अंदर आप सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आपका ब्राउजर, दैट इज कोई भी ब्राउजर आपका उस केस के अंदर हो सकता है, गूगल हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हो सफारी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो भी आपको चाहिए उस केस के अंदर आप ब्राउजर सिलेक्ट करोगे। देन नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ दी सर्च इंजिन। अब ब्राउजर तो हो गया, अब इंजन में आप बोलोगे कौन सा यूज करें, गूगल यूज करें या बिंग यूज करें, कोई भी, याहू, जिसमें आपको सर्च करना है वो आप सिलेक्शन करोगे। देन टू एंटर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सर्च बॉक्स, राइट? अब इस केस के अंदर गूगल आ गया, अब गूगल पे आपको लिखना है क्या, आपको क्या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे टाइप करते हो, जो आपको सबको ही पता है, जो आपका एक मतलब 2 सेकंड का ही गेम हो गया आपके लिए वो चीज है, ठीक है? तो मुझे ये ज्यादा आपको एक्सप्लेन करना नहीं है। देन टू सिलेक्ट दी वेबसाइट, अब इस केस के अंदर के भी क्या हमने यहाँ पे क्या सर्च किया, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिया केसेस ऑफ कोविड-19 ही नहीं लिया, ये मैंने एक सर्च यहाँ पे कर दी, तो उस केस के अंदर आपकी सारी वेबसाइट्स ओपन हो जाती है, और फिर आपको जो लगता है वो वेबसाइट आप यहाँ पे क्या करते हो, ओपन कर लेते हो, तो यहाँ पे हो गया सिलेक्ट दी वेबसाइट, ये सारी वेबसाइट्स ओपन हो गई, एंड लास्ट टू गेट दी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आपकी सर्च इंफॉर्मेशन हो जाती है, जो भी आपको इन्फो यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आपको सबको पता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे ई कॉमर्स क्या है। आपने कॉमर्स हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, व्हाट इज कॉमर्स, राइट? अब कॉमर्स में हमने देखा कि हाँ उसमें ट्रेडिंग होते हैं, ट्रांजेक्शंस होते हैं, परचेस सेल हो गए, और बहुत सारी ऑक्जिलरी सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती है। अब यहाँ पे क्या लग गया ई, e?
ई में क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जो भी हमने कॉमर्स में देखा वो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली पॉसिबल है, जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, दैट इज ई कॉमर्स। मैं परचेज सेल जब कर रही हूँ किसके थ्रू कर रही हूँ, मैं इंटरनेट के थ्रू कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू कर रही हूँ। जब मैं एडवर्टाइज मार्केटिंग कर रही हूँ तो ये सब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये सब ऑनलाइन कर रही हूँ, उसे बोला जाएगा ई कॉमर्स। दैट इज ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन विच ट्रेडिंग इज डन बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड मीडियम। प्रोसेस सच एज परचेज सेलिंग एडवर्टाइजमेंट ट्रांसफर ऑफ मनी आर मेड बाय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो ये सब चीजें किसके थ्रू पॉसिबल हो रही है, हमने नेट यूज किया है, नेट के थ्रू मैं परचेज सेल कर रही हूँ, दैट इज ई कॉमर्स। और बाकी की जो भी सर्विसेज है आप सब कुछ क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऑनलाइन कर। क्लियर? देन फील्ड ऑफ ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स का स्कोप बताया है कि कहाँ कहाँ होता है, दैट इज सबसे पहले B2C बिजनेस टू कस्टमर। अब ये कहाँ पे होता है आपको पता है? आपको पता ही, ये तो आप हर रोज करते हो, देखते ही वो साइट्स पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, ये क्या है, बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ हम देखो ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, नहीं तो बिजनेस टू कस्टमर तो हर एक शॉप पे हुआ, वो बिजनेसमैन है और हम जाके गुड्स ले रहे हैं, दैट इज कस्टमर। लेकिन जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में मैं क्या बोलूंगी, ये ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन के केस में हो गया अपना मिंत्रा, मैंने करता स्क्रॉल करती जा रही हूँ, ये ड्रेस पसंद आ गई, ये ड्रेस, यस गर्ल्स राइट, ये टॉप पसंद आ रहा है, ये स्कर्ट पसंद आ रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, हमने सब में कार्ट में डाल दिए, कार्ट में डालते गए डालते गए डालते गए, तो ये क्या है, ये ऑनलाइन हम शॉपिंग कर रहे हैं, दैट इज मिंत्रा टू कस्टम। तो ये हो गया बिजनेस टू कस्टमर, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, दैट इज मिंत्रा। आई चीज समझ में? तो ये ऑनलाइन हो गया। नेक्स्ट इज B2B, अब बिजनेस टू बिजनेस। इसमें आपको समझ में आ रहा है कि ट्रेडर टू ट्रेडर ट्रांजेक्शन होना चाहिए, है ना, दोनों बिजनेस वाले हैं, तो अब इस केस में कैसे होगा, इसमें ट्रांजेक्शन कैसे हो सकते हैं ऑनलाइन? तो उस केस में हम बोलते हैं कि एक बिजनेस वाला सब कुछ मेंटेन कर रहा है, सिस्टम है, इतना स्टॉक है मेरा, मुझे इतना और परचेस करना है, क्यों, क्योंकि स्टॉक लेवल एकदम खत्म होने वाला है, राइट? तो उस केस में मुझे पता चल गया यार अब तो मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा रॉ मटेरियल्स या गुड्स, जो भी आप कर रहे हो, जिसमें भी आप डील कर रहे हो। तो उस केस के अंदर मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है पार्टी से, तो मैंने उसको मेल कर दिया कि मुझे इतने गुड्स चाहिए। वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, बिल का पूरा एक ऑर्डर बना के मुझे भेज दिया। तो ये सब क्या हो रहा है, ये ऑनलाइन हो रहा है पूरा सिस्टम, बिजनेस टू बिजनेस सब कुछ यहाँ ऑनलाइन हो रहा है। एक बिजनेस वाला दूसरे बिजनेस से डील कर रहा है पूरा ऑनलाइन, नहीं तो क्या होता, मुझे वहां जाना पड़ता, वहां मैं बोलती कि मुझे इतना गुड्स चाहिए, वो मुझे गुड्स दिखाते, फिर बोलते ठीक है हम डिलीवर कर देंगे गुड्स को, फिर वो आता, फिर वो डिलीवर करता, फिर मैं उसको देखती, फिर मैं उसको पेमेंट करती, ये प्रोसेस बहुत लंबा चला जाता। अब यहाँ क्या हुआ, मुझे जरूरत थी, मैंने मेरा पूरे सिस्टम पे मैनेज होता है, मैंने कहा यार स्टॉक तो बहुत नीचे हो गया, अब तो गुड्स हमें लेने पड़ेंगे, तो उस केस के अंदर मैंने सिर्फ एक मेल डाल दिया, है ना, कि एक्स वाई जेड पार्टी है, मुझे इतने रिक्वायरमेंट है गुड्स की। उस केस के अंदर मुझे वापस रिप्लाई आ गया, ठीक है मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद मुझे डिलीवरी हो गई गुड्स की और मैंने पेमेंट कर दी इलेक्ट्रॉनिक मोड से, तो कितना इजी हो गया सब कुछ। तो ये सब कैसे हुआ, ऑनलाइन पॉसिबल हो गया ये सब कुछ, तो दैट इज B2B ट्रांजेक्शन, इसे हम बोलते हैं B2B ट्रांजेक्शन हो गया। क्लियर? सब कुछ यहाँ पे अपना ऑनलाइन ही हो गया, हमें कुछ पर्सनली वहां जाके बात नहीं करनी। नेक्स्ट इज C2C, कस्टमर टू कस्टमर। अब C2C में कैसे होगा, जब हम बात करते हैं, देखो हमें, हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए, ऑलेक्स, है ना। तो उस केस के अंदर आप क्या करते हो, हम देखते हैं यूज्ड जो भी हमारे गुड्स होते हैं, जो हमें लग रहा है कि सेल आउट हो जाएंगे, वो हम डाल देते हैं साइट पे, या ईबे आपने सुना होगा साइट, उसके अंदर भी यही है, गुड्स आप क्या करते हो, यूज्ड आपके क्लोथ्स वगैरह है वो आप क्या कर सकते हो, साइट पे डाल सकते हो। तो एक कस्टमर ने हमने यूज किया, और सेकंड जो भी पार्टी है जिसको वो पसंद आया या जिसको वो लेना है वो ले लेगा, तो वो भी कस्टमर है। तो इस केस में आप कस्टमर टू कस्टमर ऑनलाइन डील कर रहे हो, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, मोबाइल फोन के साथ तो बहुत होता है ना, 2 साल यूज कर लिया, 1 साल यूज कर लिया, यार अब तो मुझे न्यू लेना है, वो हमने डाल दिया ऑलेक्स पे। और ऐसे बहुत सारे आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे जिन्हें लेना है, ये होता ही है हमारे साथ। तो वो क्या हो गया, डेट इज C2C ट्रांजेक्शन, ये हमारा बिजनेस नहीं है लेकिन हम इसे सेल कर सकते हैं। क्लियर? देन C2B, कस्टमर टू बिजनेस। अब ये कौन सा ट्रांजेक्शन, इस केस में हम बोल सकते हैं कि जैसे आप बात करते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं लेडीज लोग हैं जो छोटा मोटा कुछ ना कुछ बनाती रहती है घर पे, खांखराज हो गए, समोसा, कोई भी बेकरी आइटम कुछ भी बना लिए, या कोई छोटे मोटे क्लोथिंग का आइटम बना लिया उन्होंने, कुछ टॉयज बना लिए, या कुछ भी ऐसे छोटी मोटी चीजें बना ली,
और उसको क्या कर दिया, उन्होंने साइड पे डाल दिया। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने कुछ नई चीज बनाई है, चॉकलेट्स बना ली, तो वो क्या करते हो आप शॉप पे जाके दे देते हो, बट वो ऑनलाइन नहीं हुआ, तो आपने शॉप पे जाके दे दिया एज अ सैम्पलिंग, राइट। लेकिन जब आप वही चीज अगर आपने कुछ क्रिएटिव किया है और उसको आपने ऑनलाइन साइट्स पे डाल दिया फॉर द सेल पर्पस, तो वो क्या हो गया, कस्टमर टू बिजनेस, कि मेरा ये कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने ये एक तरीके से सिर्फ बनाया और मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसे साइट पे डाल दिया फॉर द सेल पर्पस। अब कोई भी ट्रेडर जिसको अच्छा लगेगा वो उसे परचेज कर सकता है, तो डेट इज कस्टमर टू बिजनेस। तो ये सारा स्कोप था जो हमने ई कॉमर्स का देखा, डेट इज B2C, B2B, C2C एंड C2B। क्लियर है आई थिंक सबको। नेक्स्ट, रिक्विजिट इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट्स। अब क्या क्या रिक्विजिट इक्विपमेंट्स है फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स? अगर हमें ई कॉमर्स अच्छे से इंप्लीमेंट करना है तो क्या क्या चाहिए मुझे उसके अंदर? सबसे पहले हमारी एक वेबसाइट क्रिएट होनी चाहिए, उसके बिना तो हम कर नहीं सकते, हम कहाँ पे गुड्स को सेंड करेंगे, राइट। सेल परचेज कहाँ होगा, तो वेबसाइट होना चाहिए, कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, एंड क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। ये चीज अगर आपके पास है तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका ई कॉमर्स डेवलप कर सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका एक रिक्विजिट इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड जो है ई कॉमर्स के लिए। देन नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अब जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले प्री बाइंग सेलिंग स्टेज। बाय सेल करने से पहले, उसके पहले प्री स्टेज क्या होगी, उस केस में बोलोगे एडवर्टाइज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा कि यार हमें ये गुड सोल्ड करना है, तो ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आप उसके अकॉर्डिंग एडवर्टाइज करोगे। तो वो हो गया आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। कंडीशन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जब आप मिंत्रा से करते हो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से आप जब ट्रांजेक्शन करते हो, तो आप देखते हो वहाँ कंडीशंस लिखी रहती है, राइट। वहाँ कंडीशंस रहती है कि आपको ये 7 डेज में आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई कोई साइट्स पे तो रिप्लेसमेंट की गारंटी भी नहीं रहती, 30 डेज की गारंटी भी रहती है, 30 डेज में आप रिटर्न कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप रिप्लेस कर सकते हो, मोड ऑफ पेमेंट्स हमारे पास ये है, तो ये सब चीजें उसमें कंडीशंस लिखी रहती है। तो वही चीज वो बोल रहा है कि अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको ये सब कुछ चीजें मेंशन करनी होगी, एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट। तो गुड्स एंड पेमेंट डिलीवर कैसे होगा, उस केस में ये बोल रहे हैं सबसे पहले जो कस्टमर है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना, वो आपको पता है फ्लिपकार्ट या कोई भी साइट हो उसमें आप सबसे पहले आपको अपना अकाउंट वहां पे क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है, प्लेस एन ऑर्डर, फिर हम कार्ट में जा जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, और उसके बाद हमारे जो भी पेमेंट सिस्टम वहाँ पे अवेलेबल है, जो हमें लगता है हमारे लिए एप्लीकेबल है या हमारे पास उसकी फैसिलिटी है, तो हम वो ऑर्डर पेमेंट कर देते हैं। क्लियर? तो ये एक तरीके से आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का प्रोसेस हो गया। देन नेक्स्ट इज मोड ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे हमने देखा कि पेमेंट का मोड आएगा, तो वो बोल रहे कौन कौन से मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। फर्स्ट इज COD, जिसे हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी, होता है कि डिलीवरी कर दी और उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, कैश का पेमेंट कर देते हैं, सबसे इजी काम है। नेक्स्ट इज चेक। अब चेक के केस में क्या होगा, क्या ऐसा होगा कि जो डिलीवरी मैन है वो आया, मैंने उसको चेक दे दिया और डिलीवर करके चला गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो बोलेगा यार चेक अगर बाउंस हो गया 3 दिन बाद तो, और मैंने तो उसके गुड्स यूज कर लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। इस केस में जब आप चेक से पेमेंट करते हो तो उस केस में जब चेक का पेमेंट वहां पे क्रेडिट हो जाएगा सेलर के अकाउंट के, तभी गुड्स डिलीवर होते हैं। अब उस केस में आप खुद देख लो कि या तो डिलीवरी मैन आ गया, चेक ले गया, उसका पेमेंट हो गया, या फिर हम हमारे पास अगर सेलर का अकाउंट नंबर है तो आप उसके अंदर अमाउंट क्रेडिट कर दो, जब क्रेडिट होगा अमाउंट उस केस में आपके पास डिस्पैच हो जाएगा गुड्स। क्लियर? नेट बैंकिंग ट्रांसफर जो आजकल बहुत चल रही है ना, चेक तो गया, ये हो गया नेट बैंकिंग, हमारे पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, बस हमें अकाउंट नंबर चाहिए, हमने डायरेक्टली वो अमाउंट वहां ट्रांसफर कर दिया, दैट इज नेट बैंकिंग। देन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पता ही है हमें, डेबिट कार्ड क्या हो गया, जो हमारे अकाउंट में ऑलरेडी, हम बोलते हैं ये सब प्लास्टिक मनी कार्ड्स होते हैं जो हम स्वाइप करते हैं, है ना, कहीं भी जाके स्वाइप कर दो ये सब, तो डेबिट कार्ड कौन सा होता है, जब हम बोलते हैं हमारे अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस है तो उसका डेबिट कार्ड हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड कब होता है, जब हमारे पास, हमें लिमिटेशन दी गई है कि 1 लाख का अमाउंट हमें क्रेडिट पे बैंक ने दिया है, तो उस केस के अंदर क्या हो गया, मुझे क्रेडिट मिल गया, बस वो क्रेडिट कार्ड में आपको ये फैसिलिटी भी दी गई है, तो साथ में आपको 45 डेज, 50 डेज के आपको क्या मिलती है कि 50 डेज में आप अपना पेमेंट वापस रिटर्न कर दो, क्योंकि लोन दिया गया है तो आपको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा पेमेंट। तो वही चीजें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हो, उसमें सारी आपको डिटेल्स जाननी पड़ेगी कार्ड की और पेमेंट हो जाएगा।
क्लियर। एंड लास्ट इज डिजिटल कैश, जो अपना बहुत चल रहा है, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके से डिजिटल कैश है जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। क्लियर। तो ये सब मोड ऑफ पेमेंट्स है जहां से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में बोलते हैं, जब ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते तो रिस्क भी बहुत रहता है, क्योंकि हम बोलते हैं यार ऑनलाइन बहुत ईजी है यार, घर बैठे बैठे हम खुद भी सोचते हैं यार ड्रेसेस आ जाएंगे, कोई भी गुड्स आ जाएंगे, कुछ भी हमें सामान लाना है, हमें जाना ही नहीं, यार घर बैठे बैठे कर देते हैं। मम्मी बोलती है जाके बेटा ये सब, या मम्मी यार ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दो ना, क्यों मुझे बाहर भेज रहे हो, है ना। और अभी तो कोरोना में ये सब चीजें बहुत हुई है, ऑनलाइन हम सब्जियां भी मंगाने लगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल, किराने का सामान, सब चीजें हम क्या मंगाने लगे, ऑनलाइन। तो वही चीज है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें क्या है, रिस्क है। फर्स्ट वन, रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन। अब वो चीज देखो होनी है, जब हम बोलते हैं कि हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, तो कभी कभी हमसे ही कोई गलती से ऑर्डर प्लेस हो जाता है, गलत, हमें करना कुछ और टॉप था, हमने कर दिया कोई और टॉप प्लेस, होता है। या फिर हम बोलते हैं हमारे पास जो डिलीवर हुए गुड्स, वो कोई दूसरे गुड्स डिलीवर हो गए, या जो मैंने क्वालिटी के गुड्स कहे थे वो गुड्स नहीं आए, होती है ये सब चीजें। और उसके बाद आपने क्या किया, नीचे कंडीशन भी नहीं देखी कि तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो बहुत ये सब चीजें इसके अंदर रिस्क रहता है, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको ये रिस्क से बचना है तो क्या करोगे, जिस साइट से आप कर रहे हो सबसे पहले तो उसे वेरीफाई करो कि वो साइट जो है बहुत रिलायबल है, उसके बाद उसके सारी नीचे कंडीशंस देखो क्या है, क्या रिटर्न पॉलिसी है। आप कोई भी न्यू साइट से जल्दी से करते हो कुछ ऑर्डर, नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें रिस्क रहता है। अब फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, ये तो हमें पता है कि रेप्यूटेटेड साइट से इसे करोगे और यहाँ तो रिप्लेसमेंट भी जल्दी से हो जाता है। तो वही चीज वो बोल रहा है, सबसे पहले जब आप ट्रांजेक्शंस करते हो तो सबसे पहले जो आप साइट से कर रहे हो वो रिलायबल होनी चाहिए और उसके कंडीशंस आप चेक कर, ठीक है। तो आपकी रिस्क जो है वो उसके सिक्योरिटी में बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि आप ये सब चीजें इसमें चेकआउट करोगे। नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन के अंदर जब हम क्या होता है, इस केस के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारा जो भी डेटा रहता है वो क्या होता है, आपने हैक सुना होगा, हैक हो जाता है हमारा पूरा डेटा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, वायरस आ जाता है, हैकिंग हो जाती है। तो ये सब चीजें पॉसिबल हो सकती है जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डीलिंग करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है वो बोल रहे कि इतने सारे उसने सेल किया तो पूरा डेटा क्या होता है, हैक हो सकता है। तो उस केस के अंदर इसके लिए हम सिक्योरिटी रख सकते हैं क्या, हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यहाँ पे लगवा सकते हैं, राइट। तो उस केस में ये सब चीजें हमारी नहीं होगी, हमारा रिस्क कम हो जाएगा। एंड लास्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन प्राइवेसी। जब भी हम ट्रांजेक्शंस करते हैं तो आपको पता है आप सब चीजें उसमें एड ऑन करते हो, आपका नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, ये सब आपको डालना रहता है उसके अंदर। तो वो बोल रहा है कि ये जब सब चीजें, तो आप फ्रिक्वेंटली अपने पासवर्ड चेंज कीजिए, बैंक अकाउंट नंबर भी आप डालते हो, ठीक है, वहां पे पासवर्ड्स का भी रहता है। तो उस केस के अंदर ये सब चीजें आप फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहो कि ताकि रिस्क आपका कम। तो ये चीजें हम देखते हैं कि ये यहाँ पे रिस्क है, तो उन्होंने कहा है ये सेफर साइड पे ये सब चीजें आपको करनी चाहिए, क्लियर है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देखी, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि क्या होता है इंटरनेट, जो आपको सबको ही पता है क्या होता है, सब लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से पता है शायद क्या होता है इंटरनेट, जो हमने देखा ई कॉमर्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ये चीजें सब हमने यहाँ पे कवर कर लिया। होपफुली आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर था, क्लियर। अब हमारा आउटसोर्सिंग का थोड़ा बहुत पार्ट बचा है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, क्लियर है। तो ये अच्छे से आप रीड आउट कीजिए, कुछ भी डाउट क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है। ओके, सो डन फॉर टुडे, बाय।